आज के वीडियो में मैं आपको न्यूमरोलॉजी के नंबर एक के बारे में 2022 कैसा रहेगा ये बताने वाली हूँ। एक अंक के व्यक्ति उनको बोलते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की एक तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है। ये ऐसे जातक एक अंक वाले कहे जाते हैं और वो सूर्य से शासित होते हैं। इनके जीवन पर सूर्य देव का गहरा प्रभाव होता है। इनका जो लॉर्ड होता है वो सूर्य ही होता है। सिंह राशि से मिलता जुलता इनका स्वभाव होता है। हालांकि सिंह लग्न वाले भी ऐसे ही होते हैं, जिनके लग्न में सूर्य होता है उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, उनमें ईगो बहुत होता है और वो अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ विकृति के शिकार होते हैं, लेकिन अच्छे सूर्य वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो अपनी मान प्रतिष्ठा खुद बनाने में सक्षम होते हैं और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा को बट्टा लगे। वो अपने ईगो के साथ साथ अपने सोशल बिहेवियर को भी संतुलित रखते हैं। प्राय एक अंक के जातक अपना मान सम्मान बनाना जानते हैं, लेकिन उनका सूर्य खराब हो तो ऐसे लोग चरित्रहीन भी होते हुए देखे हैं। उनको होश नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं, वो हुक्का पीते हैं, वो गलत आदतों के शिकार होते हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं और वो गंदे गंदे काम ज़िंदगी में करते हैं और इससे उनको अपयश मिलता है। और खुले विचारों के होने के कारण अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और बदनामी के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में बदनाम होते हैं, घर परिवार में समाज में उनकी बदनामी होती है। लेकिन जिनका सूर्य अच्छा होता है उनको समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। उनको हर कहीं जाने पर इज्जत मिलती है, उनकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी होती है और उच्च पद पर ऐसे लोग आसीन होते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज मैं बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। अन्य अंकों पर भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो अन्य अंकों पर मैंने बनाया है। आज के जो वीडियो है वो केंद्रित है अंक एक पर, और अंक एक बहुत ही अच्छा अंक है और इसके जो शत्रु अंक हैं वो 8 अंक है वो इनका शत्रु होता है और वो इनका कभी भी हितैषी नहीं होता है। उसके द्वारा इनके ज़िंदगी में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं। जो इनका 5 अंक है या जिनका 2 अंक है वो इनके मित्र वर्ग में आते हैं और इनकी इनसे बहुत बनती है। 5 अंक वाले हमेशा इनका अच्छा सोचते हैं और 1 अंक वाले 5 अंक का अच्छा सोचते हैं। 5 और 1 का जो अंक है इनमें प्रगाढ़ मित्रता भी देखी गई है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वर्ष 2022 एक अंक वालों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या उपलब्धियां उनको मिलेगी, किस चीज़ से सावधानी रखनी है और क्या क्या ऐसे उपाय हैं जो उनको करने चाहिए, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूं। तो मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री और मैं 23-24 साल पर से ज्योतिष पर काम कर रही हूं और बहुत लोगों को परामर्श दे चुकी हूं। आप भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने भविष्य जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। ऐसी तरह की बेहतरीन जानकारी भविष्य में आपको मिलती रहेगी और आप लाभ की प्राप्ति करते रहेंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, उनकी हमेशा तरक्की होती रहे, मेरी ब्लेसिंग्स यही उनके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो एक अंक पर केंद्रित है और आपको बताने वाली हूँ 2022 में इनका क्या भविष्य है। 2022 में जनवरी का महीना इनके लिए बहुत शुभ बना है। जनवरी में कोई उत्तम काम इनके होंगे, इनका मान सम्मान बढ़ेगा, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा फरवरी और मार्च के महीने भी इनके लिए अनुकूल हैं और इनके जो ग्रह स्थिति अगर जन्मकालिक अच्छी है तो इनको अच्छा फल मिलेगा और प्रतिकूल है तो नॉमिनल से मतलब इनके दुष्प्रभाव होके रह जाएंगे। इस वक्त ये स्थिति है कि इस साल 2022 में इनको दब कर रहना पड़ेगा और यही इनके लिए उपयुक्त होगा। जितना झुके रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगर अपनी अकड़ दिखाएंगे तो इनके ये कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति उनकी हो जाएगी जो इनके स्वभाव में नहीं है। अकड़पन इनके स्वभाव में है, नेतृत्व क्षमता इनके स्वभाव में है जो इनके लिए जोखिम भरी हो सकती है, साबित हो सकती है। अगर आप सबकी भलाई की कामना करेंगे और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, सबको ब्लेसिंग्स देंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा और एक अंक वाले यश और कीर्ति को प्राप्त होंगे।
इनको अपने पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और पिता तुल्य व्यक्तियों को आदर देना चाहिए। इससे ऐसा करने से इनका सूर्य अच्छा होता है। अपने बॉस की रेपुटेशन भी बना के रखनी चाहिए, बॉस से अच्छा सामंजस्य बना के रखें। ऐसा करने से इनका सूर्य अच्छा होगा और इनका साल भी अच्छा जाएगा। अगर आप राह से भटके हुए हैं तो रास्ते पर आ जाइए, क्योंकि आपको रास्ते पर आना जरूरी है। आप अच्छे कर्म करिए और यही आपके लिए सहायक होंगे वर्ष 2022 को खुशमय बनाने के लिए। आपके लिए सूर्य उपासना बहुत लाभप्रद रहेगी वर्ष 2022 में। आपको सूर्य देव की उपासना से बहुत लाभ होगा। आप प्रातःकाल जल अर्पित करें और सूर्य देव से हर अपराध के लिए क्षमा मांगें तो आपका अच्छा हो सकता है। रविवार का व्रत 2022 में आपको करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में या शुक्ल पक्ष में 2022 में रविवार का व्रत करें। नमक ना खाएं, अनाज भी ना खाएं और ऐसी वस्तुएं खाएं जैसे जूस है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, तो आपका भला हो सकता है, आपका सूर्य सर्वोत्तम हो सकता है और आपको अच्छा सूर्य मिल सकता है। मतलब अच्छा सूर्य से मतलब है आपको सूर्य के अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं जो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, यश कीर्ति आपकी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाएंगे। एक अंक वालों को अहंकार की भावना से दूर दूर तक संपर्क नहीं करना चाहिए, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अहंकार की जो भावना होती है, ईगो की जो भावना होती है, वही आपको विनाश के रास्ते पे ले जाती है और आपको विनाश करके ही मानती है। तो आपको ईगो को तो ताक पे रखना चाहिए और 2022 में आपको घमंड नहीं करना चाहिए। आपको सामंजस्य बना के रखना चाहिए, सबसे बना के रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, तो आप पनपते रहेंगे, आपकी तरक्की होगी। और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। अगर आप घर परिवार या रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं तो आपका भगवान ही मालिक है, आपका विनाश तय है, आप सर्वनाश को प्राप्त होके रहेंगे अगर आपकी ऐसी हरकतें हैं। जिनका सूर्य अच्छा है जन्मकालिक, तो उनका मानसिक स्तर भी ऊंचा होता है और वो उच्च पद पर आसीन होते हैं। वो किसी कंपनी के उच्च पद पर डायरेक्टर के पोस्ट पर होते हैं और राजनीति में भी उनका भविष्य उज्जवल होता है। राजनीति में भी ऐसे लोग आ सकते हैं जिनका सूर्य उच्चस्थ होता है, यानी मेष राशि में जिनका सूर्य दसवें घर में है, तो उनको राजनीति से संपर्क साधना चाहिए और राजनीति में आने के उनके योग भी प्रबल होते हैं। तो जिनकी ऐसी स्थिति है उनको 2022 में ये प्रयास करने चाहिए, उनको राजनीति का भविष्य उनका अच्छा होगा। इनके लिए अक्टूबर का महीना भी खुशियों की सौगात लेके आएगा और अक्टूबर के महीने में कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अगर कर्म खराब हैं तो अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं आपको, और अशुभ समाचार से मतलब आपके कैरियर चौपट हो सकता है अगर आपने किसी का बुरा किया है। कुल मिला के जो सूर्य है ज्योतिषीय ग्रहीय मंडल का राजा है और राजा के समान ही आपका व्यवहार होना चाहिए। राजा के समान व्यवहार होने से मतलब है आप सबका भला सोचिए। राजा सब प्रजा का भला सोचता है, अपना भला बाद में सोचता है, और जिनका सूर्य खराब होता है वो पहले अपना भला सोचते हैं और प्रजा जाए भाड़ में, ऐसी सोच उनकी होती है। तो ऐसी सोच चल नहीं सकती जमाने में और ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। प्रजावत्सल आपको होना चाहिए, भगवान राम की तरह होना चाहिए जिन्होंने माता सीता का भी त्याग कर दिया था प्रजा की भलाई रखने के लिए। तो ऐसा अगर आपका स्वभाव है तो आपका भला होगा और आपकी तरक्की होगी और आपको यश और प्रसिद्धि चारों तरफ फैलेगी, दुनिया में आपका नाम होगा, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। इसके लिए सूर्यदेव का उपासना करना बहुत शुभ रहेगा आपको, और सूर्यदेव को जल अर्पित करें, सूर्यदेव को दीपक दिखाएं और सूर्यदेव का नाम जब आप स्मरण करें तो आपको बहुत फायदा होगा। और आदित्य हृदय स्त्रोत भी आपके लिए लाभदायी हो सकता है जो सूर्य के सबसे संबंधित है, सूर्य उपासना से संबंधित है, तो इसको आप जपें, इनसे आपको बहुत फायदा होगा। सूर्य चालीसा भी आपको पढ़ना चाहिए, सूर्य सहस्त्र नाम भी आप जप सकते हैं। गुड़ का सेवन और गुड़ का दान आपके लिए बहुत शुभ है, गेहूँ का दान भी आप कर सकते हैं और सूर्य देव के जो रत्न है माणिक उसको भी आप पहन सकते हैं, पोटा भी आप पहन सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी से सलाह लेकर ही रत्न धारण करें, अन्यथा रत्न धारण आपको नहीं करना चाहिए। कुल मिला के 2022 का जो समय है वो फूंक फूंक कर एक अंक वालों को चलना पड़ेगा। इतना मध्यम प्रद रहा है, रहेगा समय आपका, और लाभ के अवसर बारंबार आते तो रहेंगे, लेकिन अगर आपका मैंने बताया कि हरकतें गंदी हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप
व्यक्तित्व के धनी हैं, चरित्र से हीन नहीं हैं, तो आपके लिए वर्ष 2022 खुशियों की सौगात लेके आएगा और आपका हर काम बनेगा, मान सम्मान बिन मांगे ही आपको मिलेगा और हर कोई आपकी प्रतिष्ठा के चर्चे करेगा, ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। तो एक अंक वालों को मैंने बताया कि 2022 संभल कर चलना है और आपको झुक के चलना है, विनम्रता, झुक के चलने से मतलब आपको झुकना नहीं है, मतलब विनम्रता का को धारण करना है। ये एक अवगुण नहीं, गुण है बहुत बड़ा। आप कितनी भी उच्च पद पर हों, अगर आप आपके अंदर विनम्रता की भावना है, आप सबका अच्छा सोचते हैं, तो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा बिन मांगे ही मिलती है, आपके काम अनवरत रूप से बनते ही चले जाते हैं, ऐसा आपका समय होता है। तो 2022 ऐसा ही है और इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो 2022 आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।